बाथरूम है तारा सब नाम के चीज नहीं खे बनाते में खाना ना खा जला ढेर ना बोलल जला आगे ना तो बैंक खान कूद लगू हां तो तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के सब सभी लोग आई होप आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं रेडी हुई हूँ कहाँ चलने के लिए तो आप लोग को मालूम चलेगा। चलो गाइस आप लोग घूमने जा रहे हैं हाँ हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ और पूरा इधर सामान फैला हुआ तो उसको सब समेटूंगी और चलते हैं कहीं घूमने फिरने क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो गए और ठंडी तो अभी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं रही। पूरा कुहासा नहीं पूरा कुहासा भी ऐसा बच्चे लोग को ठंडी नहीं लगती है नहीं नहीं कुहासा बहुत ज्यादा है और ठंडी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे इनका क्या है ठंडी लगवा लेते जाकर फिर तबीयत खराब हो जाएगा फिर 15 दिन आराम से लेके पड़े रहो इन लोगों को तो मुझे दिक्कत होती है। नहीं तो मैं डॉक्टर को घुमाने जाती हूँ सुबह शाम तो मुझे क्यों ठंडी। जब बीमार पड़ती तो तब क्या होता है तब गर्मी बस पूरे दिन सोई रहेगी मम्मी चक्कर आ रहा है मम्मी उल्टी हो रही है। चलो गाइस इनको मनीषा जी भी तो रेडी हो रही मैं इधर रेडी हो चुकी हूँ। सो गाइस तो फाइनली हम लोग तो रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए और यहाँ पे मार्केट जाने से पहले सोचा चाय पी लेते क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम ठंडा हो गया है और मेरा भी गला बच गया मनीषा जी का भी गला बच चुका है तो चलो सबसे पहले चाय पी लेते हैं अदरक वाली होती बात करते हैं मार्केट और मार्केट में हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं वो आप लोगों को ब्लॉग में सब देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट और मनीषा जी को भी सर्दी खांसी जुकाम पकड़ लिया है वैसे उस दिन तो पता ही नहीं चला था ठंडा है लेकिन आज पता चल रहा है कि हाँ ठंडा है नहीं। और अचार निकाला जा रहा है अचार खाने के लिए बिना अचार का खाना नहीं खाया जाता किसी से भी नहीं एक मैं हूँ जो बिना अचार का खाना खाती हूँ नहीं मैं खाती हूँ मैं मीठा अचार खाती हूँ पता है मम्मी ने भेजा है मीठा अचार। एवरीवन सो गाइस तूफानी हम लोग आ चुके हैं शॉप पे और हम लोग लेने वाले हैं साड़ी और हम लोग वही बस साड़ी देख रहे थे और भैया भी आ रहे हैं दिखाने के लिए वैसे तो जस्ट अभी हम आए हैं और सचिन भी चले गए कुछ काम था इसके वजह से तो बस हम दोनों लोग मिलके शॉपिंग करें। ये भी अच्छा लग रहा है ना कलर ब्राइट कलर सो गाइस तो यहाँ पे मैं खड़ी हो चुकी थी मैंने साड़ी पसंद किया था और मैंने यही साड़ी लिया भी क्योंकि मेरा ना इस कलर का साड़ी मेरे पास था ही नहीं और मनीषा जी को और मेरी ऋषिका को भी बहुत साड़ी ये पसंद आया था कि मम्मी ले लो साथ में ऋचा भी थी उसने भी बोला आंटी आपके पास ऐसा कलर नहीं है साड़ी आप ले लो तो बस मैंने सोचा नहीं ले लिया और रियली में साड़ी बहुत खूबसूरत है मतलब वीडियो से ज़्यादा रियल में साड़ी खूबसूरत है ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका फुल लुक कैसा लग रहा है और कभी मैं जब चौथ आएगा तो मैं इसको वेयर करूँगी यानी कि पहनूँगी और देखिए ये रहा साड़ी का लुक बहुत खूबसूरत लग रहा था साड़ी ये पुराना नहीं होता है ना। सो गाइस तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मार्केट से और मार्केट से हम लोगों ने कौन सी साड़ी लिया वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो गाइस और हम लोग चलते हैं हम लोगों ने खाना नहीं खाया हम और मनीषा जी ने खाना नहीं खाया है तो पहले इसके खाएंगे सर्दी जुकाम से सर में दर्द हो रहा है और चलते हैं पहले खाना खा लेते हैं। सरिता से बात करेंगे का हो भूल गए लड़का खाए लगलू है तारा सब नाम के चीज नहीं खे बनाते में खाना ना खा जला ढेर ना बोल जला आगे के ना तो खान कूद लगू हाँ तो कहता सचिन में देखी तो क्या कहला मोमोज भर तनी तारा भर खिया तनी नहीं खे खैनी सचिन में मोमोस खाए खाएगू नु तो कहू कि सच सच हो नहीं दिखत जब बिना पूछो हो लिया मतलब का गाड़ी आई सर्द ठंडी हवाएं कह रही हैं फिजाएं क्यों ना जला करो